अस्सलाम वालेकुम क्लास, हमारा सेकंड लेक्चर है क्रिप्टोग्राफी का। हमने जो क्रिप्टोग्राफी अब तक पढ़ी है उसमें हमने दो तीन मेथड डिस्कस की हैं। हमने जो मेथड्स पढ़े हैं उसमें ये था कि प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन होता था और की जो है की के हमने डिफरेंट कीज लेकर उस पर डिफरेंट प्रोसीजर लगाए थे। पहले जो हमने मेथड किया था उसमें ये था कि अगर की हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हों तो फिर हमने एक प्रोसीजर डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि की अगर हमारे पास सिंगल एक डिजिट है तो फिर हमने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद लास्ट टाइम जो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो ये था कि की अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो फिर हमने इनक्रिप्शन कैसे करनी है और डिक्रिप्शन कैसे करनी है। आज जो हम मेथड डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि अगर हमें इसी तरह कोई मैसेज गिवन हो और की जो है वो एक से ज़्यादा डिजिट गिवन हो। हमने पढ़ा था कि अगर की एक ही डिजिट होगा तो फिर हमने उस डिजिट पे देख लेना है कौन सा अल्फ़ाबेट है, वहाँ से हमने अल्फ़ाबेट स्टार्ट करने हैं। लेकिन आज जो मेथड हम डिस्कस करने लगे हैं उसमें ये है कि अगर की जो है एक से ज़्यादा डिजिट्स की गिवन हो तो फिर हमने इनक्रिप्शन किस तरह से करनी है। क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, डिस्कस इनक्रिप्शन ऑफ द मैसेज। मैसेज आपको पता चल जाना चाहिए। अगर तो मैसेज आप पढ़ सकते हो, जैसे वेलकम टू क्लास, ये सब बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ये कौन सा मैसेज है? प्लेन टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे मैसेज दूसरी तरह लिखा होता जो हम पढ़ नहीं सकते तो हमें पता होना था कि वो कौन सा मैसेज है। वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है। अब हमारे पास कौन सा मैसेज गिवन है? प्लेन टेक्स्ट गिवन है। और वैसे भी उसने कहा है डिस्कस इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का क्या मतलब है कि हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना है। अब वेलकम टू क्लास हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है और की हमें गिवन है 3214। ठीक है, मैसेज गिवन है वेलकम टू क्लास और की है 3214। हमने इस मैसेज को अब कोड करना है। अब आप प्रोसीजर इसका देखो, हमने की यूज करनी है और इसको कोड करना है। अब की हमारे पास गिवन है 3214। ठीक है, की गिवन है 3214। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट है। की गिवन है 3214। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। की को हमने अरेंज कर लेना है लेस से ग्रेटर। 3214 हमने देखा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वहां से स्टार्ट करना है और बड़े तक जाना है, 1 2 3 4। ठीक है, इसको हमने इस ऑर्डर में लिख लेना है। जो भी हमें की दी गई होगी, अगर की एक डिजिट है तो हमने चेक कर लेना है उस डिजिट पे कौन सा अल्फाबेट है, वहां से अल्फाबेट स्टार्ट करना है। लेकिन अगर की हमें एक से ज्यादा डिजिट्स गिवन है तो फिर हमने क्या करना है, जितने भी डिजिट्स गिवन होंगे उनको इस तरह तरतीब से लिख लेना, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने मैसेज लिखना स्टार्ट करना है। वन के नीचे वेलकम था ना, तो ये हो गया WELCOME, वेलकम। ठीक है, हमने तरतीब से मैसेज लिखना है। जब यहाँ पे फोर के नीचे जो है, फोर के नीचे तक ही हम साइन कर सकते हैं ना, उसके बाद हमने नेक्स्ट अगला डिजिट जो है, ये अल्फाबेट जो है वो वन के नीचे साइन कर देना है। ये हो गया वेलकम, आगे टू था, फोर के नीचे हमने टी ए साइन किया, आगे जो था वो वन के नीचे चला गया। ठीक है, टू क्लास CLASS। इस तरह हमने तरतीब से 1 2 3 4 के नीचे मैसेज लिख लेना है, वेलकम टू क्लास। तरतीब से हमने लिखना स्टार्ट करना है। ये WELC अब आगे नहीं है तो दोबारा 1 पे आ जाना है, फिर T तक आगे दोबारा किस पे आ जाना है, स्पेस नहीं देनी है आपने। ठीक है, आपने इसी तरह तरतीब से ये सारा मैसेज 1 2 3 4 के नीचे लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, की को आपने अरेंज कर लेना है छोटे से बड़े की तरफ, फिर उसके नीचे हमने क्या करना है, मैसेज लिख लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, टू जनरेट साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए हमने जो की जैसे थी एज इट इज वैसे ही लिख लेनी है। ठीक है, 3 2 1 4, जैसे की हमें गिवन थी एज इट इज हमने वैसे ही की लिख लेनी है। अब हमने, आप देखो कि ऊपर जहाँ पे, अब ये 3 2 1 4, अब हमने ऊपर जो हमने असाइन 1 2 3 4 किया है ना, हमने देखना है 3 के नीचे तरतीब से असाइन। 3 के नीचे क्या है, ये LEL, 3 के नीचे LEL है, तो हमने यहाँ भी 3 के नीचे क्या लिखना है, तरतीब से LEL। ठीक है, यहाँ पे 3 के नीचे तरतीब से हमने लिख दिया LEL। इसी तरह ऊपर देखें आप, 2 के नीचे क्या लिखा था हमने,
टू के नीचे क्या तरतीब थी? ई एम सी एस, यही तरतीब हमने इसी तरह इधर टू के नीचे लिख लेनी है, ई एम सी एस, ठीक है? ये हमने लिख ली ई एम सी एस। इसी तरह ऊपर देखना है वन के नीचे कॉलम वाइज, ठीक है? कॉलम वाइज वन के नीचे जो भी कॉलम होगा वो एज इट इज यहाँ उतार लेना। इसी तरह फोर के नीचे देखेंगे, जो भी होगा वो हमने एज इट इज ऐसे लिखना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो भी की दी होगी उसको हमने तरतीब से लिख लेना है काउंटिंग को, छोटे से बड़े की तरफ, और उसके नीचे तरतीब से मैसेज लिखते जाना, स्पेस नहीं देनी। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि हमने की जैसे थी एज इट इज वैसे ही 3 2 1 4 लिखा, और ऊपर से असाइनिंग देखते जाना, 3 के नीचे कौन से नंबर है वो तरतीब से लिख लेने कॉलम वाइज, 2 के नीचे कौन से नंबर है वो तरतीब से लिख लेने हैं, 1 के नीचे देखना है, इस तरह 4 के नीचे तरतीब से ये नंबर हमने लिख लेने, ठीक है? लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जैसे हमने 1 2 3 4 के नीचे मैसेज लिखा था ना तरतीब से, वैसे अब ये जो तरतीब बनेगी दोबारा ये हमने लिख लेनी है, LEWCEM, ये हमने तरतीब दोबारा लिख लेनी है, LEWCEMOT LCOASS। ये जो हमने जैसे हमने तरतीब से प्लेन टेक्स्ट लिखा था, वैसे ये जो सेकंड स्टेप के बाद असाइनिंग आनी है वो तरतीब से हमने दोबारा लिख लेनी है इस तरह। तो ये जो जनरेट होगा ये हमारे पास वेलकम टू क्लास का क्या होगा, साइफर टेक्स होगा, ठीक है? ये वाली जो है, अगर ये वो वाला प्रोसेस है कि जिसमें डिजिट एक से ज्यादा गिवन होंगे, अगर डिजिट एक से ज्यादा गिवन है तो फिर हमने क्या करना है, पहले जो भी हमारे पास की है उसको तरतीब से लिख के प्लेन टेक्स्ट की साइनिंग कर लेनी, फिर जो की थी की एज इट इज हमने लिख लेना, की एज इट इज लिख के तो फिर उसके नीचे कॉलम वाइज जो है पीछे से देख के तो वो लिखते जाना है आपने। फिर इसको उसी तरतीब से, सी पे बात खत्म होनी है तो सी के बाद आपने ई एम ओ टी लिखना है, फिर टी के बाद LCOASS। तो ये जो हमारे पास बनेगा ये हमारे पास इस प्लेन टेक्स का क्या होगा, साइफर टेक्स होगा, ठीक है? ये हमारे पास अनदर प्रोसेस है इनक्रिप्शन का, ठीक है? इनक्रिप्शन का अनदर प्रोसेस है कि जिसमें की एक से ज्यादा डिजिट गिवन होंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास इंक्रिप्शन का एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं अफाइन साइफर मेथड, ठीक है? इंक्रिप्शन का एक और मेथड है अफाइन साइफर मेथड। इस प्रोसेस से हम प्लेन टेक्स्ट से जिस साइफर टेक्स्ट में जाते हैं उस साइफर का नाम अफाइन साइफर है, जो मैंने आप लोगों को क्लास में नोट्स प्रोवाइड किए हैं वहाँ साइफर की टाइप्स में आप देखिएगा अफाइन साइफर एक टाइप होगी, ठीक है? ये मेथड आपको क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन से ही पता चल जाएगा कि हमने इस पे अफाइन साइफर मेथड लगाना है। अब ये प्रोसीजर होना कैसे है? उसने कहा कि आपने इसको सॉल्व करना है, इनक्रिप्ट करना है मैसेज को, डिस्कस इनक्रिप्शन ऑफ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन की इनक्रिप्शन करनी है आपने, और आपको इस दफा की जो है वो दो इक्वेशंस की सूरत में गिवन होगी। पहली इक्वेशन है 2a + b = 4 और दूसरी इक्वेशन है 3a - b = 1। जब भी इंक्रिप्शन आपने अफाइन साइफर मेथड से करनी है तो आपको एक मैसेज गिवन होगा, ठीक है? जो कि यहाँ पे मैथमेटिशियन गिवन है। यहाँ पे मैसेज क्या गिवन है आपको, ये मैथमेटिशियन गिवन है, और की जो है वो दो इक्वेशंस की सूरत में गिवन होगी। एक ये है 2a + b = 4 और एक है 3a - b = 1। ये दो इक्वेशन, अब इन दो इक्वेशन से हमने की जनरेट कैसे करनी है, हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास a और b की जो वैल्यूज आएंगी वो एज अ की यूज होगी। अब प्रोसीजर क्या है, क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि डिस्कस इनक्रिप्शन ऑफ मैथमेटिशियन विद, दो इक्वेशंस गिवन होंगी यूजिंग अफाइन साइफर मेथड। अगर आपको अफाइन साइफर मेथड नहीं भी लिखा हुआ तो आपको इक्वेशन से पता चल जाना चाहिए कि जहां पे दो इक्वेशंस गिवन है मैसेज के साथ, तो इसका मतलब है कि हमने मेथड कौन सा यूज करना है, अफाइन साइफर मेथड यूज करना है। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में स्टेप वन है कि हम सबसे पहले इन दो इक्वेशंस से अपनी की जनरेट करेंगे, जनरेशन ऑफ की। स्टेप वन क्या है, जनरेशन ऑफ की। हमने इन दो इक्वेशंस को यूज करना है
इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करना है इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। इस प्रोसीजर का पहला स्टेप है कि हमने की जनरेट करनी है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उन दो इक्वेशन से हमने ए और बी की वैल्यू, आपको दो इक्वेशन सॉल्व करना आती है, ठीक है। ये है हमारे पास दो इक्वेशन, 2a plus b equal to 4, 3a minus b equal to 1। हमने ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ से जब हम ए की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं, हमने फर्स्ट वन इक्वेशन में पुट की तो बी की वैल्यू आ गई 2, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2। ये हमारे पास अब की है, ये एज अ की यूज होनी है। हमें एक मैसेज गिवन था और दो इक्वेशंस गिवन थी, दोनों इक्वेशंस से हमने ए और बी की वैल्यू, जिस वेरिएबल में भी ये इक्वेशंस होगी, ये आपको आएंगी ए बी में, ठीक है। आगे मैं आपको स्टेप बताती हूँ, आपको फिर समझ लग जाएगी कि ये इक्वेशंस ए बी की फॉर्म में ही क्यों आएंगी। फर्स्ट स्टेप, खैर आपने जो भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी उन दोनों को सॉल्व करते हुए ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप से आप लोग पहले भी वाकिफ हो। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने असाइन कर देने हैं डिजिट्स अल्फाबेट्स को, ठीक है। मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपकी मर्जी है कि आप ए को 1 से स्टार्ट करो या ए को 0 से स्टार्ट करो। असाइनिंग 25 तक होगी। आपने 1 असाइन किया है ए को, तो जी को क्या असाइन करोगे? 0, क्योंकि 25 पे हमने रोक देना है। 25 से बड़ा जो भी डिजिट आएगा उसका मॉड हमने लेना है 26 पे। तो ये जो है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है जिसमें हमने क्या किया है, असाइन कर दिया। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो दो इक्वेशंस गिवन थी उससे हमने क्या निकाली है, ए और बी की वैल्यूज, और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, इन अल्फाबेट्स को डिजिट्स असाइन कर दिए, ठीक है। 1 से स्टार्ट किया है 25 तक और जी को 0 असाइन कर दिया। बड़ी वैल्यूज का हमने मॉड लेना है किस पे, 26 पे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में अब हम इंक्रिप्शन स्टार्ट करने लगे हैं। प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन था मैथमेटिशियन, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट हमें गिवन था क्या, मैथमेटिशियन। हमने क्या करना है कि सारे अल्फाबेट्स को असाइन कर देने हैं डिजिट्स। ये काम हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम सारा काम ही डिजिट्स पे करते हैं। मैथमेटिक्स में सारा काम हम डिजिट्स पे करते हैं, इसलिए मैथमेटिक्स में जहाँ भी ये टेबल, बस आपने याद रखना है, या अगर आपको याद नहीं रहता कि किस अल्फाबेट को कौन सी वैल्यू असाइन, तो आप साइड पे छोटा सा एक टेबल बना सकते हो। तो फिर जो है, हमने इन अल्फाबेट्स को पहले डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है, डिजिट्स पे हमने सारा काम करना है, और फिर दोबारा डिजिट्स को अल्फाबेट असाइन कर देने होते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में हो, आंसर भी उसी फॉर्म में आता है। अब मैसेज हमारे पास अल्फाबेट में है, तो आंसर भी हमने किस में देना है, अल्फाबेट में ही देना है। तो हम शुरू में अल्फाबेट्स को इस तरह असाइन कर लेंगे डिजिट्स, आंसर भी डिजिट्स में आएगा, फिर हम डिजिट्स को दोबारा अल्फाबेट असाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने ऊपर टेबल से देख के, तो ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको हमने यहाँ पे ये डिजिट्स असाइन कर दी हैं, ठीक है। अब हमने इन डिजिट्स पे काम करना है। अब ये जितने भी डिजिट्स हैं, ये सारे आप समझ ले एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है। ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, और ये सारे क्या है, एक्स है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड प्रोसेस है अफाइन साइफर के लिए, हम हमेशा यूज करते हैं ये वाली इक्वेशन ए एक्स प्लस बी। ये हमने क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बताई जाएगी, ये प्रोसीजर में आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर में ये ए एक्स प्लस बी जो है, ये इसी से हमने सारा काम करना है, इस इक्वेशन से। अब इसीलिए मैंने जो दो इक्वेशंस आपको गिवन होगी, जो कि जिससे हम की जनरेट करेंगे, वो ए बी की फॉर्म में गिवन होगी, क्योंकि अफाइन साइफर में जो चीज हमने यूज करनी है वो है ए एक्स प्लस बी। तो हमारी जो की है वो ए बी की फॉर्म में होगी, तो की जब जनरेट जिन इक्वेशन से हुई है, वो इक्वेशन भी किस फॉर्म में होगी, ए और बी फॉर्म में होगी। उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए बी की वैल्यू निकाली थी, और ये जो एक्स है वो ये सारी वैल्यूज हैं जो ये हमने असाइन किए हैं अल्फाबेट्स को, डिजिट्स जो असाइन किए हैं, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास अब ए बी की वैल्यू भी आ गई और ये सारे हमें पता चल गए क्या है, एक्स है। और अफाइन साइफर के लिए इक्वेशन हमने यूज करनी है ए एक्स प्लस बी, किसके लिए, प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए। जो मेन रोल है वो किस इक्वेशन का है, ए एक्स प्लस बी का। अब ए एक्स प्लस बी में
हर दफा ए की वैल्यू 1 पुट होगी और बी की 2 पुट होगी, जो हम ऊपर दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल चुके हैं। चेंज किसकी वैल्यू होगी? एक्स की। पहली जब पहला हमने करना है तो एक्स की जगह हमने एम पुट किया है, यानी कि ये प्लेन टेक्स्ट का पहला अल्फाबेट। एम ए की वैल्यू 1 है, एम की क्या है 13 प्लस बी की क्या है 2, सॉल्व करेंगे आंसर आ गया 15। ठीक है, सेकंड वन फिर ए एक्स प्लस बी। ये मैंने बार बार इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि ये बार बार चेंज कैसे होता गया। ए और बी जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, एक्स की वैल्यू पहले हम एम पुट करेंगे, फिर ए, फिर टी, फिर एच, इस तरह तरतीब से ये सारे अल्फाबेट्स हम पुट करते जाएंगे। ए पुट किया, फिर ए को जो असाइन था 1 वो लिखा और इसको सॉल्व कर लिया। फिर हमने x की जगह t पुट किया, तरतीब से हमने पुट करते जाना है ना, x की जगह पे प्लेन टेक्स्ट वाले अल्फाबेट्स तरतीब से पुट करते गए, फिर उन अल्फाबेट्स को जो जो असाइन था वो वैल्यूज पुट करते गए। a और b की चेंज नहीं होंगी क्योंकि a और b हमने ऊपर जो फाइंड किया, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो a और b हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये ए की वैल्यू 1 ही रहेगी, बी की वैल्यू 2 ही रहेगी, बस चेंज किसकी होगी यहाँ पे, एक्स की पहले एम वाला, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर एम, उनकी वैल्यूज आती जाएंगी और इधर हम इसको सॉल्व करके आंसर लेके आते जाएंगे। बाकी वैल्यूज जो हैं ये नेक्स्ट पेज पे ये हमने फाइंड कर ली। ठीक है, ये मैथमेटिशियन पूरा हमने यूज करना है। ठीक है, सारे प्लेन टेक्स्ट के सारे अल्फाबेट्स यूज करने और इनको जो जो असाइन थे डिजिट वो डिजिट हमने यहाँ पे लिखे, ये सारे फिर हमारे पास उसको सॉल्व करने पे हमारे पास यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे ना, अगर तो ये आंसर्स 26 से छोटे हैं फिर हमने यही रहने देना है 25 या 25, सॉरी अगर ये बड़े आ जाते हैं 25 से तो फिर हम उनका मॉड लेंगे 26 पे। अब ये सारे 25 से क्या आए हैं, छोटे ही आए हैं तो हमें मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये जो आंसर्स आए हैं ये सारे आंसर्स मैंने तरतीब से लिख लेने हैं, ये आंसर्स सारे मैंने क्या लिख लेने हैं, जो ए एक्स प्लस बी जहाँ पे ए 1 था और बी 2 था, एक्स की वैल्यूज हम पुट करते गए, ये तरतीब से सारे जो आंसर्स आए हैं वो लिखे हैं और फिर इनको जो अल्फाबेट्स असाइन थे, क्योंकि हमारे पास मैसेज था अल्फाबेट्स में तो हमने साइफर टेक्स्ट में जो कन्वर्ट करना है वो भी किस में करना है, अल्फाबेट्स में ही करना है, तो इनको जो अल्फाबेट्स असाइन थे वो हमने टेबल से देख कर दोबारा इनको डिजिट्स को अल्फाबेट असाइन कर देने हैं और ये जो हमारे पास फिर जनरेट होगा ये होगा साइफर टेक्स्ट और इसका नाम क्या होगा, अफाइन साइफर, क्योंकि हमने मेथड कौन सा यूज किया है, अफाइन साइफर मेथड। प्रोसीजर मैं आपको एक दफा रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारे पास मैसेज गिवन हो और दो इक्वेशंस गिवन हो तो चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो हमें पता होगा कि ये अफाइन साइफर मेथड जो है हमने यूज करना है। हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, वहां से ए बी की वैल्यू निकाल लेनी है, ए बी की वैल्यू आ जानी है, हमारे पास जो मैसेज गिवन होगा उस मैसेज को हमने क्या करना है, अल्फाबेट्स हैं उनको हमने डिजिट्स असाइन कर लेने, ठीक है डिजिट असाइन कर लेने। फिर जो इक्वेशन हमने यूज करनी है वो है ए एक्स प्लस बी, ए और बी की जगह वही वैल्यू रहेगी जो हमने निकाली होगी, जैसे इस क्वेश्चन में 1 और 2 थी, ए 1 था और बी 2। अब जो एक्स है, एक्स की जगह प्लेन टेक्स्ट के बारी बारी सारे जो है वो अल्फाबेट्स रखते जाने और उन अल्फाबेट्स को जो डिजिट असाइन होंगे वो रख के तो हमने उस इक्वेशन को बार बार सॉल्व करते जाना है, तो आंसर में जो डिजिट्स आएंगे जैसे इस क्वेश्चन में ये डिजिट्स सारे आए हैं उनको दोबारा अल्फाबेट्स असाइन कर देने हैं, जो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट बनेगा उसको हम साइफर टेक्स्ट बोलेंगे क्योंकि मेथड अफाइन साइफर मेथड है, तो ये जो साइफर जनरेट हुआ है इस साइफर का नाम क्या होगा, अफाइन साइफर। दैट्स ऑल।